इस विचाले वड्डी खबर तुहानू दस दिए कि बीजेपी दे वल्लों पंजाब बीजेपी दे विच वी एक बदलाव किया गया है। पंजाब बीजेपी का नवा इंचार्ज जो है नरेंद्र सिंह तोमर नू बना दिता गया है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि ग्वालियर तो एमपी ने उन्होंने पंजाब बीजेपी का प्रभारी बना दिता गया। उधर हरियाणा सरकार दे विच कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नू को इंचार्ज बनाया गया है। पंजाब बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी पंजाब के मुखी विजय सांपला ने पार्टी के वलों तोमर और कैप्टन अभिमन्यु की इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए कहा कि इन्होंने आगुआ के सियासी तजुर्बे के नाल बीजेपी की चोण संबंधी तैयारियों होर ज्यादा तेजी मिलेगी, गति उन्होंने होर आवेगी। बिल्कुल, इस तो पहला प्रभात चासन पंजाब बीजेपी के प्रभारी ते हुण जो है जिम्मेवारी नरेंद्र सिंह तोमर नू सौंप दी गई है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर तो लोकसभा मैंबर है। ज्यादा जानकारी दे लई साडे नाल जी मीडिया पत्रकार पंकज कपाही फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। पंकज, ता इस तो पहला असी कांग्रेस दे विच देखिया कि नवी जिम्मेवारियां सौंपियां गईयां ने, ते हुण बीजेपी दे विच ए जिम्मेवारी बीजेपी दे विच किन्ना बदला लिया सकदी है पंजाब च? बिल्कुल इंदर, एक वड्डा बदलाव लिया सकती है, क्योंकि जिस तरीके नाल हुण इलेक्शन काफी घट समा बचा, और इस तो पहला क्योंकि पंजाब विधानसभा पहला चोणां तो पहला जो है चंडीगढ़ के नगर निगम के जो इलेक्शन ने, तो उसे के मद्देनजर जो नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्होंने इलेक्शन का इंचार्ज बनाया गया, और इस तो बाद क्योंकि पंजाब 2017 दी चोणां का इंतजार पंजाब के लोगों को है, तो उस दे लई क्योंकि मध्य प्रदेश तो आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर और काफी सीनियर आगू ने अजिहे, अगर केंद्र की गल की जाए तो ग्रामीण विकास मंत्री भी ने और पेंडू खेत्र की वोट्स नू समझन दे लई कि किस तरीके बीजेपी के वल खिंच पवे, क्योंकि बीजेपी हमेशा पंजाब की शहरी वोट मनिया जाता है, तो इस करके नरेंद्र सिंह तोमर नू वड्डी जिम्मेदारी दी गई है। इस दे नाल नाल को इंचार्ज जो है कैप्टन अभिमन्यु नू बनाया गया जो हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर भी ने। जी बिल्कुल, ता नवी नियुक्ति की गई है, चाहे इंचार्ज की गल करिए को इंचार्ज की, पर पंकज ये भी जानना चाहवांगे कि प्रभात चाह ऑलरेडी बीजेपी दे पंजाब दे इंचार्ज सन, ते हुण उन्हां दी जगह नवी नियुक्ति, कि इसनूं एक वक्री स्ट्रैटेजी तौर उत्ते देखिया जावे, क्योंकि पहले ही क्लीयर कर चुके ने कि 23 सीटां उत्ते ही उह विधानसभा चोणां दे विच नितरणगे बीजेपी दे जिहड़े नुमाइंदे होणगे। बिल्कुल, बीजेपी शुरू तो यही कहती आ रही है कि 23 सीटा से चोणा लड़नगियां, लेकिन जो सीटा ने उनके बदलाव किया जा सकता, 506 सीटा जो है बदलाव किया जा सकता अकाली दल नाल जो बदलिया जाएंगी सीटा, लेकिन बीजेपी लगातार यही कहती रही है कि 23 सीटा से चोन लड़ेगी, और पिछले कुछ दिनों तो प्रभात चाह की तबीयत भी काफी खराब चल रही थी, और इसे मद्देनजर क्योंकि चोणा काफी नजदीकी काफी घट समा बचा, तो अजिहे च बीजेपी के लिए चंडीगढ़ दी चोणा जितना काफी अहम ने नगर निगम दी, क्योंकि इस वे बीजेपी का उत्ते कब्जा हुआ, तो अजिहे च नरेंद्र सिंह तोमर और नाल ही नाल कैप्टन अभिमन्यु ने एक वड्डी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज थोड़ा इस पूरे मामले से जानकारी देने दे लई, ता एक बड़ा बदलाव हुण बीजेपी दे विच वी कीता गया है, ता जिम्मेवारी जो है पंजाब बीजेपी दी हुण नरेंद्र सिंह तोमर दे हाथ सौंप दित्ती गई है। ता नवी नियुक्ति कीती गई है पंजाब बीजेपी दे विच इंचार्ज ते को इंचार्ज दी।